इंदौर नगर निगम की टीम ने एक बार फिर शहर के अवैध निर्माणों को तोड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने सुअर पालकों पर कार्रवाई करते हुए दो मंजिला मकान को भी जमींदोज कर दिया। इस दौरान घर के सदस्यों ने निगम की टीम पर हमला भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम ने फिर शुरू किया ऑपरेशन अवैध निर्माण। शहर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। एरोड्रम इलाके में सुअर पालक का दो मंजिला घर जमींदोज किया। निगम के अमले पर महिलाओं ने किया हमला। नगर निगम ने एक बार फिर इंदौर में अवैध निर्माण हटाने के लिए ऑपरेशन छेड़ा है। शहर के अलग अलग इलाके में स्थित अवैध निर्माण को हटाने के लिए निगम का अमला सुबह भारी पुलिस बल के साथ रवाना हुआ। इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई एरोड्रम इलाके में धर्मराज नगर में की गई। यहां सुअर पालक जीतू तेजी के मकान को तोड़ा गया, लेकिन इस मकान को तोड़ने के लिए निगम की टीम को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान के साथ कई बार परिजनों ने विवाद किया और महिलाओं ने निगम के अमले पर हमला कर दिया। दरअसल जीतू तेजू इलाके में सुअर पालन का काम करता है, जिसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई करते हुए इसके पशु बाड़े को तोड़ा गया था। वहीं इसने शपथ पत्र देकर आश्वासन दिया था कि वो फिर कभी सुअर का पालन शहरी इलाके में नहीं करेगा, लेकिन आश्वासन के बावजूद उसने फिर से सुअर का पालन करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते निगम की टीम ने आज जीतू का दो मंजिला मकान तोड़ा। अपनी सख्ती और दमदार शैली से पहचाने जाने वाले महेंद्र सिंह चौहान ने सूझबूझ और पूरी दमदारी के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। सुअर मेरे ही है, मैं ही पालता हूं, मेरे ही नाम जीतू पिता का नहीं है। अब आप बताओ इसमें क्या सुअर रहते हैं? मेरी बात सुनिए, आप मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूं, मुझे तो जो हमें आदेश ठीक है, आदेश ठीक है ना, उस आदेश का पालन हम कर रहे हैं। सुनना भैया लोग, आप आदेश का पालन कर रहे हैं? जी हां। पूर्व में मेरा मकान तोड़ा? जी हां। इंदौर में 150 सुअर पालक है, 150 सुअर पालक में किसका मकान तोड़ा अभी तक आप? बहुत से मकान तोड़े, नहीं एक का भी मकान नहीं तोड़ा, बहुत उंगली नीचे करके, आप उंगली नीचे करके, उंगली नीचे करके, एक का भी मकान नहीं तोड़ा, उंगली नीचे करके। हम बहुत ये रोज आज कार्रवाई की शुरुआत की गई है। ये जीतू पितैया कन्हैया लाल जो कि अवैध अपने सुअर पालन करता है, इसका धर्मराज कॉलोनी में जो भवन है, वहाँ के संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर ने उस जहाँ पे रहता था उस भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद ये पाया कि उसका जो निर्माण है पूर्ण रूप से अवैध, और पास में उसका बाड़ा भी था स्पष्ट रूप से। लिहाजा आज कार्रवाई करी गई। इस कार्रवाई के अंदर तीन थानों का बल था, DRP का बल था, 50 से अधिक जवान थे, और नगर निगम में रिमूवल के 200 कर्मचारी थे, संबंधित अधिकारी थे। और इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा था कि पुराना जो हम लोगों का अनुभव है कि इस कार्रवाई को रोकने के लिए अगर आदमी हम लोगों पे थ्रेट नहीं पहुंचाता है तो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी और हम लोग सतर्क थे। और कल से इस बात की रेकी भी की जा रही थी, संबंधित थाने से जो उनके गुप्तचर हैं उस हिसाब से सूचना ली गई थी। लिहाजा इन सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए आज कार्रवाई का इंतजाम अंजाम दिया गया है और काम पूर्ण हुआ। दरअसल सफाई व्यवस्था और शहर में फैल रही बीमारियों को देखते हुए नगर निगम ने इंदौर में पशुपालन और सुअर पालन पर रोक लगा रखी है, इसलिए इसके बाद भी कई लोग शहर में दबे छिपे सुअर पालन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए एक बार फिर निगम ने कार्रवाई शुरू की। निगम की टीम ने एरोड्रम के अलावा जूनी इंदौर और विजयनगर इलाके में भी अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। निगम के अमले के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिसने विवाद के समय हालात को काबू रखने में अहम जिम्मेदारी निभाई।
धर्मराज कॉलोनी में खड़े हम लोग, एयरपोर्ट थाने में आती है, ये अवैध निर्माण है, भवन का अवैध निर्माण है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। और ये व्यक्ति जो है इस शहर में अवैध सुअर पालन का बड़ा धंधा भी करता है, सबसे बड़ा सुअर पालक है, इसलिए अवैध भवन तोड़ा जा रहा है। शहर का बड़ा सुअर पालक है ये और अवैध रूप से सुअर पालन का व्यापार करता है, इसको बहुत बार समझाया गया है। और अवैध निर्माण, इसके पहले भी अवैध निर्माण हटाए गए थे और ये इसमें खुद रह रहा था, ये अब अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। इस क्षेत्र में या शहर में पशुपालक और गुंडों के खिलाफ जो नगर निगम और प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। नहीं, ये थान अपराध नहीं थे, लेकिन पशुपालक और जो गुंडा अभियान है उसमें जो प्रशासन के द्वारा जो चिन्हित लोग किए गए हैं या आवारा पशु सुअर पालक, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर नगर निगम ने एक बार फिर शहर में अवैध बाड़े बनाकर सुअर और पशुपालन करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, जो आने वाले समय में भी जारी रहेगा और शहर के कई पशुपालक इस कार्रवाई की चपेट में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।